जो प्रोसीजर है उस पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यायपालिका से लास्टली सच है तो सब मिल जाएगा न्याय, बट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही नहीं। शोक का माहौल है परिवार में, लेकिन जब अगले बार जो या कभी भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो उस कलाई पे 4 के बदले 3 राखी होगी। पुलिस गिरफ्तारी नहीं की उसके, ठीक है वो जज है उसके लिए प्रोटोकॉल हो सकता है, बट जो उसके फादर है, मदर है, बहन है, उन लोग को भी तो पकड़ा जा सकता है। कि रक्षाबंधन को आप लोग कितना मिस किए? बहुत बहुत ज़्यादा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं आपको चांदनी और प्रतीक के मामले में हर अपडेट आपको खबर देते रहता हूं, और ऑडियंस जो है हमेशा सवाल करते रहते हैं, हर अपडेट के लिए सवाल करते रहते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। इसलिए अब क्या हुआ क्योंकि जो दोषी है वो पति जो है प्रतीक जज है, और जो लड़की की जो मौत हुई है चांदनी, उसके न्याय के लिए ऑडियंस ये सवाल करना चाहते हैं, क्या देश में 2 कानून जो चल रहा है, बड़े आदमी का कानून, धनी आदमी का कानून और गरीब आदमी का कानून, इस केस से साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि कानून अंधा है या नहीं। अब सवाल उठते हैं कि 31 तारीख को रक्षाबंधन था और 4 बहनें थी, 4 बहन में जो बैजू है, बैजू के कलाई पर 4 राखियां बांधी जाती थी, लेकिन शायद इस बार तो पर्व मनाया भी नहीं गया होगा क्योंकि शोक का माहौल है परिवार में, लेकिन जब अगले बार जो या कभी भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा तो उस कलाई पे 4 के बदले 3 राखी होगी, और 3 राखी का बंधने का क्या वजह हो सकता है, और क्या क्या अपडेट है, कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब के जो हियरिंग हुआ उस पर भी हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि अब आपको कानून पे भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो प्रोसीजर है उस पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यायपालिका से लास्टली सच है तो सब मिल जाएगा न्याय, बट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही नहीं है। अभी तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं की उसके, ठीक है वो जज है उसके लिए प्रोटोकॉल हो सकता है, बट जो उसके फादर है, मदर है, बहन है, उन लोग को भी तो पकड़ा जा सकता है ना। कुछ भी नहीं, सुपरविज़न नहीं हुआ है, आयु ने कोई आपका कुछ भी सबूत वगैरह कुछ भी एविडेंसेस इकट्ठा नहीं किया। अभी तक वहाँ नहीं गए, कुछ भी नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले गए थे तो वहाँ पर मतलब कोई जो होता है सील किया जाना या इन्वेस्टिगेट फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो होता है प्रक्रिया जो होती है जो पुलिस का, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जज प्रतीक की वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, केस मे बी वो बड़े पोस्ट पे हैं तो केस इन्फ्लुएंस हो रहा है कह सकते हैं, ये बात आप मानते हैं। लेकिन एक तरफ हम लोग को ये भी सुनने में आया, खबर ये भी आया है कि वो फर्स्ट जो बिल जारी किए थे उनका रिजेक्ट कर दिया गया है और मामले को सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, सिविल कोर्ट के जज साहब उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। नहीं, अभी हाई कोर्ट तक बात नहीं पहुंची, अभी सिविल कोर्ट का ही मैटर है, ये अभी सिविल कोर्ट तक ही है। बट उसके बाद भी अगर आपका इधर से उधर भी हो रहा है तो इसमें पुलिस का काम है। अभी जज तो जाके जज को पकड़ेगी नहीं, ये तो पुलिस पकड़ेगी ना। वो चीज़ें हो रही हैं वो कोर्ट तक है, बट इधर पुलिस क्या कर रही है वो एक बहुत बड़ा लूपहोल है। ये सवाल आप लोग क्या जो आयु हैं या जो प्रभारी हैं, क्योंकि घटना का तकरीबन एक महीना होने जा रहा है, 17 अगस्त को घटना हुई थी और आज लगभग 5-6 तारीख हो ही गया, इतने दिनों के बाद रूम नंबर 301 कुंज अपार्टमेंट में पुलिस नहीं गई है, इस सवाल आपने किया पुलिस से? बिल्कुल, बहुत बार मिले हैं, एक छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक सब से मिल लिया गया है, A to Z जितने होते हैं आई थिंक रोज़ मिला गया है, बट कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं बट धरातल पे कोई काम नहीं किया है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन आपको मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो पुलिस को फर्स्ट टाइम जाना चाहिए या कोई भी घटना घटती है या कोई FIR होता है जिस व्यक्ति के ऊपर, तो मुश्किल से घंटे 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर में उस घटनास्थल पर जाते हैं, कहां पर क्या हुआ, कुछ साक्ष्य मिल जाए। अभी तक पुलिस का वहां नहीं जाना, ये जज साहब का इन्फ्लुएंस होगा वो? अब क्या बोल सकते हैं, अब पुलिस का अपना कुछ है स्टेटमेंट्स कि नहीं जा सकते, ठीक है आप नहीं जा सकते हैं, जज को नहीं पकड़ सकते, होगा रूल्स, मैं नहीं कह सकती कि नहीं होगा, जज के लिए हो सकता है मजिस्ट्रेट के लिए रूल, बट फादर वो तो जज नहीं है, वो लोग से तो पूछताछ हो सकती, उन लोग को तो पकड़ा जा सकता है, बट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। चलिए, ये तो कानूनी सवाल हुआ, पुलिस के ऊपर सवाल हो गया, अब थोड़ा सा ये भावनात्मक सवाल एक ये है कि रक्षाबंधन को आप लोग कितना मिस किए? बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत
देखिए, चांदनी की बड़ी बहन है। सवाल इस केस मतलब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं परिवार के ऊपर, परिवार को पता होता है कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होता है। हम लोग तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जो अपराधी काम करते हैं, जो अपराध करके जाते हैं, अपराध करने के बाद उस परिवार पर क्या बीतता है, उस बात का अंदाज़ा वो लोग नहीं कर पाते हैं। अंदाज़ा तब होती है जब उसके साथ इस तरह की घटना घटती है, तब उस पर जो अपराधी करने वाले, अपराध करने वाले के ऊपर जब ये घटना घटती है, तब उसको पता चलता है कि मैंने उस व्यक्ति के साथ किया होगा तो उन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि जज प्रतीक पर सवाल इसलिए उठता है कि वो जज हैं और ये लोग इस बात से डरे हुए हैं कि उसके पास पैरवी है, पैसा है, सब कुछ है, और शायद मेरी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। चांदनी के लिए जो न्याय मांग रहे हैं वो न्याय नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि अस्थि कलश है, अस्थि कलश भी यहाँ पर है, और अस्थि कलश के बाद देखिए ये लोग शपथ लिए हैं अस्थि कलश को, वहाँ पर कॉर्नर पर शायद अस्थि कलश रखा हुआ है, और ये अस्थि कलश तब तक गंगा में प्रवाह नहीं करेंगे जब तक चांदनी को उचित न्याय नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चांदनी को उचित न्याय नहीं मिलेगा इसके लिए अस्थि कलश का गंगा में प्रवाह नहीं होगा? क्या चांदनी को उचित न्याय मिलेगा तब जाके गंगा में प्रवाह होगा? लेकिन ये बहुत ही, हम लोग जब क्यास लगाते हैं, ऑफ कैमरा होते हैं, तो हम लोग इस बात का डिबेट करते हैं कि ये शायद ही हम लोग का अंदाज़ा है कि शायद चांदनी को ईमानदारी से न्याय मिल पाए, इसलिए न्याय नहीं मिल पाएगा कि चांदनी का जो मौत का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस तरह से उसे मारा गया है चांदनी को, अस्पताल में जाकर उसके मौत हुआ, और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में उसकी मौत हुई है। 11 मई 2022 के कुछ दिनों के बाद से ही उसकी मौत की शुरुआत हो चुकी थी। उसी समय से साजिश चालू हो गया था उस परिवार के द्वारा। उस परिवार का साजिश ये था कि पैसे के लोभ में, दहेज के लोभ में, इस तरह का दबाव दे करके उसे चावल और चोखा दे करके खाना खिलाया जाता था। रूम से उसे बाहर नहीं निकाला जाता था। जब इस परिवार के लोग उसके घर पर जाते थे, घर में मिलने नहीं दिया जाता था, नीचे आते थे ऊपर से और नीचे ही बात करके निकल जाते थे। ये बात की दुहाई दिया जाता था कि आप जज के घर में ऐसे नहीं आ सकते हैं, जज आप आम लोगों के लिए हैं, न कि आप ससुराल वालों के लिए आप जज हैं। आप अपने साली के लिए, अपने सरोज के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए आप जज नहीं हैं। उनका अधिकार है कि अपनी बहन, अपनी बेटी को देखने का अधिकार है, उनको मिलने का अधिकार है, उनसे बात करने का अधिकार है, लेकिन इस सारे बातों से चांदनी और चांदनी के मम्मी पापा भाई बहन को वंचित किया गया। क्यों वंचित किया गया? इसलिए वंचित किया गया कि उसके मन में उसी समय से काला तिल था। मन में उसके विचार ऐसे थे कि वो हमेशा चांदनी को चाहते थे कि चांदनी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये है चांदनी और प्रतीक के जज का अपडेट। सुनवाई हुई है, उनका बेल रिजेक्ट हो गया है, लेकिन बेल रिजेक्ट होने के बाद अगर मामला आगे कहाँ, अगर इस केस में अगर उनको न्याय मिलता है चांदनी में, चांदनी के लिए, चांदनी के सिलसिले में अगर चांदनी को इंसाफ मिल जाता है, तो बात ये हो जाती है कि भारत में कानून जिंदा है, भारत में न्याय जिंदा है, और आम पब्लिक, आम जनता को भरोसा होगा हमारे न्यायालय पे, हमारे कानून पे, क्योंकि ऐसे कई नेता भी हैं जिनकी सज़ा हुई है, तो शायद इस केस में भी चांदनी को न्याय मिले। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।